पीजी कॉलेज बागेश्वर के खेल मैदान में कंट्री वाइड के 7 स्कूलों के खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव व विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह खेल महोत्सव 2 दिवसीय है, जिसके प्रथम दिवस पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। के 2003 में हमारा पहला स्कूल बना था, 2007 में हमारे 7 स्कूल हो गए थे। ये पहला मौका है जब ये स्पोर्ट्स मीट जो है पहले टाइम हम बागेश्वर में कर रहे हैं। इसके आयोजन में विशेष रूप से जो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर प्रिंसिपल है आशा तिवारी, उनका योगदान है, और साथ ही मोहन खिलाड़ी हैं जो एजुकेशन इंडिया के रीजनल हेड हैं, उनका बड़ा योगदान है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैनेजमेंट की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में जो हमारे दो खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, एक चेस के क्षेत्र में, एक फुटबॉल के क्षेत्र में। वो आज विश्व चैंपियन हैं, हमें इस बात का भी फख्र है, और उम्मीद है ऐसे स्पोर्ट्स मीट हम करते रहेंगे और जो भविष्य है बच्चों का शिक्षा के अलावा, उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र के अलावा खेल के क्षेत्र में भी उनको विशिष्ट योगदान देने की उनकी तैयारी हम कराएंगे। और मैं आभार व्यक्त कर आप लोगों का करता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया, और आप विशेष रूप से स्नेह और अपनापन कंट्री वाइड परिवार के लिए रखते हैं, उसके लिए हमारा विशेष विशेष आभार आपके चैनल। आज जो है 2 दिवसीय खेल कूद कार्यक्रम हो रहा है। जैसा आप जानते होंगे कि कोविड में कोई भी कार्यक्रम हो नहीं पाया था, तो आज 2 साल बाद हम लोग फिर से यहाँ पर असेंबल हुए हैं। और इस बार एक बहुत खास अच्छी बात यह है
कि और बार ये जो इंटर हाउस कंपटीशन होता था, इस बार ये इंटर स्कूल है। हमारे सातों स्कूल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे हमारे 6 स्कूल बागेश्वर जिले में और 1 स्कूल अल्मोड़ा जिले में है। हल्द्वानी वाला स्कूल इसमें नहीं आ पाया है। तो काफ़ी अच्छा जो एजुकेशन इंडिया के गाइडेंस से उनके एक यहाँ पे जो रीजनल हेड आए हुए हैं अश्विन चौहान करके, उनके गाइडेंस में पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और आज हम इसे एक मूलभूत रूप दे पाए हैं। और जैसे आप को पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्कूल्स में। अभी आपने देखा होगा खेलो इंडिया, अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि आज के दौर में जो बच्चों की लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग सी हो गई है। कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स और ये सब चलता है, तो इसमें जो है फिजिकल फिटनेस पे स्कूल्स को स्पेशली कहा जाता है कि इस एज में बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और वो अगर होता है तो बच्चे जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनका विकास होता है और वो एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के विकास में प्रतिभाग कर पाते हैं। कंट्री वाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के द्वारा जो है महाविद्यालय मैदान में आज उनके सभी जो विद्यालय हैं उनका जो है सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। उसके आयोजन में जो है आज अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आए हुए सभी विद्यालयों के बच्चों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनके द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन सब के लिए अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही कंट्री वाइड परिवार को भी बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा जो अपने सभी विद्यालयों का प्रोग्राम एक साथ किया गया है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएँ हैं। और जो कि कोविड की वजह से पिछले 2 वर्ष से कोई भी इवेंट यहाँ पर इनके नहीं हो पाए थे वो आज हो रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को काफ़ी उत्साह है। और मैं कंट्री वाइड परिवार को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बागेश्वर में विशेष तौर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनके विद्यालय यहाँ पर सभी छोटे और बड़ी जगहों में हैं, तो उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनको उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बागेश्वर को अव्वल करने में अपना योगदान दिया है। तो मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए इनके सफल संचालन की कामना करता हूँ। आज कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर द्वारा यहाँ पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आकर जो ये खेल प्रतियोगिता है 2 दिवसीय उसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर विभिन्न विद्यालय जैसे मंडल छेरा, गरुड़, कांटा, कपकोट, कापलीगर, कठपुड़िया छिना सहित विभिन्न विद्यालय से यहाँ पर छात्र छात्राएं आए हैं और उनके द्वारा भी शुभारंभ के अवसर पर सुंदर सा इवेंट, विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, योगा, मार्शल आर्ट व अनेकों जो यहाँ पर रखी गई हैं प्रतियोगिता उसके कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर आज उद्घाटन शुरू है। और 2 दिन में लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ और विभिन्न खेलों का यहाँ पर आयोजन होना है। आज से कल समापन होगा खेल का और जो इसमें प्रतियोगिता छात्र छात्राएं हैं उनको पुरस्कार के वितरण किया जाएगा। सीसीएन न्यूज के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।